सामने आपको शर्म आनी चाहिए। आपको शर्म आनी चाहिए। बाल देखिए, आप बाल छोड़ो, आप बाल निकालो, निकालो, आप शर्म आ गया। आराम से बैठो। जय सुख, किसने बुलाया? निकालो उसे बाहर। तुम देखा नाम बताइए कोई। हाथ नहीं लगाना, बदतमीज, बदतमीज लड़की, बदतमीज लड़की। आप मुझे इस पे बताएं कि औरत मार्च को हमारा माशा सपोर्ट करता है? यार सब इतना एंजॉय कर रहे थे, सबने म्यूजिक को इतना एंजॉय किया। यार आप ये म्यूजिक नहीं है, ये सरेआम आप लोग बेहयाई फैला रहे हैं। मुझे नहीं पता था आप लोग। जी जी, तो आप कैसे आके कह सकते हैं कि बेहयाई हो रही है? नहीं, इस तरह का डांस खवातीन कर रही है, मतलब हमारा माशरा इस तरह की इजाजत देता है जो आप लोग कर रहे हो? बेहयाई आप लोगों की वजह से टीवी से पूरे पाकिस्तान में फैलती है। आपको यार आपको क्या माशरा है? कौन से माशरे की बात कर? हमारा पाकिस्तान का माशरा जो पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। ये वाला जो क्लिप है इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है, इसका बैकग्राउंड क्या है और इसके ऊपर क्या ओपिनियंस दी जा रही है लोगों की जानिब से, आपके साथ अपनी ओपिनियन भी शेयर करता हूँ, लोगों की ओपिनियन भी आपके सामने रखूंगा। हुआ ऐसे है कि सैयद बासित अली, जो कि यूट्यूबर है और इसके अलावा कॉमेडियन भी है, स्टैंड अप और मिमिक्री करते हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म की, हमारे दोस्त भी हैं, हमसे पहले उनका रब्ता होता था, अब नहीं है। तो वो इस शो में, नियो टीवी का ये शो है, मॉर्निंग शो है, सैयद बासित अली इस प्रोग्राम में बैठे हुए थे और कुछ और मॉडल्स, शोबिज़ के लोग वहाँ पर मौजूद थे जो कि डांस कर रहे थे, नाच गाना कर रहे थे। एकदम से जब नाच गाना वगैरह ख़त्म हुआ तो इस प्रोग्राम की जो होस्ट है उन्होंने सैयद बासित अली से पूछा कि भाई आप क्यों नहीं कर रहे डांस वगैरह, तो उन्होंने इस पर जवाब दिया कि आप लोग यहाँ पर फहाशी कर रहे हैं, मैं फहाशी करने नहीं आया बल्कि यहाँ पर मैं कॉमेडी करने आया हूँ। और उसके बाद बहस शुरू हो गई और ये बहस इस जगह तक पहुँच गई कि एक दूसरे को इवन के उन्होंने हाथ मारा और बदतमीजी करना भी शुरू कर दी। लाइव शो के अंदर ये सब कुछ दिखाया जा रहा था। अब इस पर मैं अपना ओपिनियन अगर आपके सामने रखूँ तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस वक्त दो ग्रुप्स बन चुके हैं सोशल मीडिया पर। पहला ग्रुप ये कहता है कि सैयद बासित अली ने बिल्कुल ठीक तरीके से अवाम की तर्जुमानी की है, हमारे मुआशरे की तर्जुमानी की है, इस्लामी इकदार की तर्जुमानी की है। दूसरा मुआशरा ये कह रहा है कि सैयद बासित अली वहाँ पर एक गेस्ट के तौर पर गए थे, उनको कोई हक नहीं पहुँचता कि वो किसी को कहे कि आप फहाश है, आप गलत कर रहे हैं, आप घटिया हरकतें कर रहे हैं। खैर, घटिया का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। तो मैं अगर अपना ओपिनियन आपके सामने रखूं, और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने ये क्लिप पूरा देखना हो तो कमेंट सेक्शन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, दो क्लिप है, अगर आपका ट्विटर अकाउंट है तो आप जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें पैमरा की। पैमरा की बात मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि पैमरा ही इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो आया कि सबसे पहली बात इसमें यह है कि नियो टीवी के पास एंटरटेनमेंट का लाइसेंस है या फिर न्यूज़ का है? ऐसा होता है पाकिस्तान के अंदर दो किस्म के लाइसेंस टीवी चैनल्स को जो है जारी किए जाते हैं पैमरा की जानिब से। एक एंटरटेनमेंट का जो शायद आसानी से मिल जाता है, और दूसरा न्यूज़ का, जो आप खबरें सुनते हैं, करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स वगैरह देखते हैं, उसका चैनल जो, उसका जो लाइसेंस होता है, एक तो महंगा होता है और एक बड़ी मुश्किल से जारी किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो कि उनके पास लाइसेंस एंटरटेनमेंट का है लेकिन वो न्यूज़ चलाते हैं। मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको 24 न्यूज़ की। 24 न्यूज़ जो है उनके पास न्यूज़ का लाइसेंस नहीं है, करंट अफेयर्स का लाइसेंस नहीं है, लेकिन वो अपना जो वहां पर न्यूज़ ही चलाते हैं। आपको पता है खबरें उनकी देखी जाती है। और कई मरतबा ये मामला अदालत में गया, पैमरा ने इसके ऊपर नोटिस भी लिया, उनको कई दिन के लिए बैन भी किया। लेकिन होता क्या है कि इस पर सारे सहाफ़ी एंकर्स हजरात जितने भी है ये इकट्ठे हो जाते हैं, एहतजाज करते हैं और कहते हैं आज़ादी सहाफत पर हमला हो गया है, और ये मामला कोर्ट जाता है और उसके बाद प्रॉपर ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है और पैमरा ब्लैकमेल होता है। और ब्लैकमेल होने के बाद ये होता है कि उस चैनल का लाइसेंस जो है बहाल कर दिया जाता है और दोबारा से वो अपनी बदमाशी कर रहे होते। यही हाल नियो न्यूज़ के साथ हुआ। पैमरा इसका जिम्मेदार है। पैमरा पहले ये पूछे उनसे कि भाई आपके पास न्यूज़ का लाइसेंस है या एंटरटेनमेंट का? अगर न्यूज़ का लाइसेंस आपके पास है तो आप वहाँ पर नाच गाना क्यों कर रहे? ये जिम्मेदारी पैमरा की है, मेरी और आपकी बिल्कुल भी नहीं हो सकती। दूसरा, इसमें अगर हम होस्ट की बात करें तो होस्ट को मैं कहूँगा कि 100 में से 100 नंबर में दे सकता हूँ, शायद कम अगर मैं लालच कर लूँ तो 99-98। उन्होंने सिचुएशन संभालने की मुकम्मल तौर पर कोशिश की लेकिन उनसे सिचुएशन संभाली नहीं गई। हाँ, ये अच्छा हुआ कि हाथापाई नहीं हुई, मारपीट नहीं हुई, जिस तरह से पाकिस्तान के चैनल्स के ऊपर ड्रामे चलते वो वाली सूरत हाल नहीं बन सकी। तीसरा, इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो सैयद बासित अली, जो कि शोबिज़ से ताल्लुक़ है, मीडिया से उनका अच्छा खासा ताल्लुक़ रहा है, अभी भी एक अच्छे यूट्यूबर है, उनको भी कम अज़ कम ये पता होना चाहिए था प्रोग्राम में जाने से पहले कि अगर आपको इनवाइट किया गया एक मॉर्निंग शो में, एक ईद शो में, दैट मीन्स के वहाँ पर ये सब कुछ होगा। और ये पहली मरतबा नहीं हो रहा और ना ये पहला प्रोग्राम है, ना ये आखिरी प्रोग्राम है, ना ये कोई पहला चैनल है जहाँ पर इस तरह का नाच गाना हो रहा हो। ये पहले भी होते रहे, अभी भी हो रहे, इस पर तनकीद भी होती है, इसकी सपोर्ट भी की जाती है।
तो सैयद बासित अली को अगर ये पता था, और मेरे ख्याल से उनको पता होगा कि मैं जहां पर जा रहा हूं वहां पर ये सब कुछ होगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको वहां पर जाना चाहिए था, उनको इंकार कर देना चाहिए था, या फिर उनको बताना चाहिए था चैनल की होस्ट को या प्रोड्यूसर जिन्होंने इनसे रब्ता किया कि भाई अगर आप वहां पर जाएंगे तो वहां पर मेरे सामने जो ख्वातीन आप बिठाए उनको दुपट्टा पहनाएं और इसके अलावा वहां पर डांस वगैरह ना हो। ठीक हो गया, सैयद बासित अली ये सब कुछ जानते हुए वहां पर गए और वहां पर जो सिचुएशन बनी उस पर उन्होंने अपना रिएक्शन दिया। फिर एक्शन का रिएक्शन आया और रिएक्शन इस तरह से था कि उन्होंने जो मॉडल्स वहां पर मौजूद थी उन्होंने ऊंची आवाज में बात करना शुरू की। जो मर्द हजरात वहां पर खड़े थे उन्होंने भी कहा कि ये फजूल बंदा है, ऐसा है तो वैसा है। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह के कॉमेंट्स करने चाहिए थे। एक बंदे को आज़ादी इजहार राय का हक मुकम्मल मिलना चाहिए। अगर बासित की अपनी ओपिनियन थी तो आपको उनकी ओपिनियन सुननी चाहिए थी और अपना रिएक्शन देना चाहिए था, जिस तरह से उन्होंने आसान अल्फाज में कर दिया। लेकिन उन्होंने आगे से बड़ी ही जोश और जज्बे के साथ आकर उन पर अटैक किया, वो चार हो गए, बेचारा अकेला हो गया, सिचुएशन नहीं संभाली गई, इवन के ये लोग खड़े हो गए और खड़े होकर एक दूसरे के ऊपर बातें करना शुरू कर दी, जिस पर वो ख्वातीन कह रही कि आपको हक नहीं पहुंचता, आप क्यों फतवे जारी कर रहे हैं, आप क्यों मुफ्ती बन रहे हैं। ठीक है, तो एक दूसरे को मेरे ख्याल से ओपिनियन का हक होना चाहिए, अपनी राय देनी चाहिए और राय एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, उसका जवाब जो है बेहतरीन अंदाज में भी दिया जा सकता था। बहरहाल दोनों को गुस्सा आया और क्लैश हुआ बहुत बड़ा और इस वजह से डिस्कस हो रहा है सोशल मीडिया पर। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं, आखिर में एक जुमला इस्तेमाल किया सैयद बासित की जानिब से जिस पर मुझे एतराज़ है कि औरत मार्च वाले फहाशी फैलाते हैं, औरत मार्च वाले ये करते हैं वो करते हैं, मतलब कि सब गंदी बुराइयां जितनी है ना उसके जिम्मेदार जो है सिर्फ और सिर्फ औरत मार्च वाले हैं, ये सैयद बासित अली ने वहां पर जो है शो करवाना चाहा। हालांकि ये गलत सोच है, मेरे नजदीक ये गलत सोच है, उनकी अपनी राय हो सकती है, आपकी अपनी राय हो सकती है, लेकिन ये क्या मतलब कि अगर हम देखते हैं ज़ैनब जो केस था कसूर का, उसमें एक लड़की के साथ जो कुछ हुआ, अब वो जो इमरान जो उसके साथ रेपिस्ट था जो उसने किया सब कुछ फिर उसको फांसी पे चढ़ाया गया, तो आप इमरान का बैकग्राउंड देखें, क्या उसका ताल्लुक औरत मार्च से था या नहीं, आपको पता लग जाएगा। आप जाकर देखें, आपको बहुत सारी उसको ऐसी वीडियोज़ मिल जाएंगी जिससे आपको लगेगा कि ये तो बड़ा मजहबी बंदा है। ठीक हो गया, फिर हम बात करते हैं ये सानहा मोटरवे केस जो रिसेंट केस है जिसमें रेप हुआ एक खातून का उनके बच्चों के सामने, क्या जितने वो जो लोग वहाँ पे थे जो रेपिस्ट वहाँ दरिंदे वहाँ पर थे क्या उनका ताल्लुक औरत मार्च से था या नहीं था। आप भी जाकर उनका बैकग्राउंड देखें कि वो किस तरह से थे, किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। फिर बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जिनके बारे में बात कोई नहीं कर सकता, मेरे चैनल पर वीडियोस मौजूद है, मैं बार बार उन चीज़ों का जिक्र नहीं करना चाहता, फिर ये तासुर जाता है कि जनाब ये तो इस्लाम के खिलाफ बात कर रहा है, ये तो जनाब सिर्फ और सिर्फ मौलवियों को टारगेट कर रहा है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। जहाँ पर क्राइम होगा उस क्राइम को दिखाया जाता है, तो बहुत से मुकद्दस मुकामात पर ऐसे ऐसे क्राइम हुए हैं जिसको मीडिया ने रिपोर्ट किया है, तो क्या वो सब भी औरत मार्च की वजह से ही है? पाकिस्तान में जितनी कोई करप्शन हो रही है क्या ये औरत मार्च की वजह से है? जो फलस्तीन में इसराइल ने हमला कर दिया क्या ये सब कुछ औरत मार्च की वजह से है? जो कश्मीर में सूरत हाल बनी हुई है क्या ये औरत मार्च की वजह से है? औरत मार्च तो ये 5-6 साल पहले नारे लगाना शुरू किए, इससे पहले इतने वाकयात हुए, इतनी चीज़ें और इतने आपको ये बोल्ड ड्रेसिंग मार्केट्स में नज़र आती थी, क्या ये सब कुछ औरत मार्च की वजह से हुआ? तो ऐसा हरगिज़ नहीं है कि हर चीज़ की जिम्मेदारी आप औरत मार्च पर डाल दें, इस पर मैं इख्तलाफ रखता हूँ। बाकी सबसे पहले तो पैमरा की जिम्मेदारी है, पैमरा को पूछना चाहिए, और जिस तरह से प्रोग्राम में बिहेव किया गया और जिस तरह से इस क्लिप को सुना जा रहा है तो लोगों पर इसका नेगेटिव और पॉजिटिव मुख्तलिफ किस्म के असरात है, तो पैमरा को सबसे पहले एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर, पूछना चाहिए और आवाम को भी बताना चाहिए कि इनके पास एंटरटेनमेंट का लाइसेंस है या फिर न्यूज़ का लाइसेंस है। दूसरा ये है कि हर चीज़ की जिम्मेदारी औरत मार्च पर नहीं डालनी चाहिए। तीसरा ये इसमें कि अगर सैयद बासित अली को पता था, और मुझे पता है कि उनको पता है कि वहाँ पर ये सब कुछ दिखाया जाएगा, यहाँ पर ये सब कुछ होगा, डांस वगैरह होगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको वहाँ पर जाना चाहिए था। तीसरा, सैयद बासित अली के पास बिल्कुल हक है कि वो अपना ओपिनियन वहाँ पर रखे, और उनको इस तरह से एकदम झपट्टा करके हमला नहीं करना चाहिए था, तसल्ली से शायद जवाब दे देते या ब्रेक लेकर मामला ख़त्म कर देते। खैर उस वक्त प्रोड्यूसर ने भी शायद प्रोग्राम के मज़े लेने हो, तो एंकर जो है वहाँ पर जो होस्ट थी वो बार बार कह रही थी, इसलिए मैं उसको 100 out of 100 नंबर दूंगा कि वो सिचुएशन संभालने की कोशिश करी थी। इवन उसने ब्रेक के लिए कहा, लेकिन पीछे प्रोड्यूसर बैठा होता है तो एंकर के बस में कुछ नहीं होता, उसका काम सिर्फ सिचुएशन संभालना होता है, तो ब्रेक नहीं लिया जा सका। बाकी आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपको मिलती रहे। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।